पूनम, पूनम तुम हमारी बहन हो, हमारी बहन पूनम सिंह, चिंगुर झंझना गया। एक मिनट, ये सब क्या हो रहा है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैम। ये सब बेकार की बातें, चमक चलो चलो यहाँ से। एक मिनट, नहीं नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी पूनम, तुम हमारी बहन पूनम सिंह हो, तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है, अब से तुम इसी हवेली में हमारे साथ रहोगे। झिंझुर झंझना गया। हाँ एक मिनट, देखिए ठाकुर साहब, मैं ये पुनर्जन्म, अगला जन्म, पिछला जन्म, ये सब बातें मेरी समझ में नहीं आ रही, और जब तक मुझे यकीन नहीं हो जाता या पिछले जन्म की बातें याद नहीं आ जाती, मैं आपकी बात पे कैसे यकीन कर लूं, और मैं यहाँ नहीं रह सकती। देखिए अगर आपकी बात सच भी है तो फिलहाल मुझे यकीन नहीं है और मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मुझे माफ कीजिए मुझे। ठीक है बहन, तुम जाना चाहती हो तो जाओ, लेकिन एक लाचार भाई तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर विनती करता है बहन, कि आज के बाद तुम इस गांव में मत नाचना। हमारी इज्जत का सवाल है बहन, मत नाचना। चिंगूर झंझर आ गया। अच्छा, चलो 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 चलो, छोटे ठाकुर वो जा रही है, छम्मक छल्लो। अरे अरे मत नाचना पूनम। मालिक बापू, तुल फिलाओ। अरे चुप कर, दांतों के बीच जबान आ गई थी। मुनीम जी मालिक, मुनीम चमत्कार हो गया। हाँ। ये तो कुदरत का करिश्मा है। हाँ मालिक, कि पूनम आ गई। हाँ पूनम आ गई। हाँ मालिक, मछली आ गई। चिंगो झंझना आ गया। यार मारी तो कुछ समझ ही ना आ रहा है यार। ठाकुर इतने यकीन के संग कह रहा है कि मैं जो है उसकी पिछले जन्म की बहन हूँ, और मारा पुनर्जन्म हुआ है, और मारी जो शकल है वो भी पिछले जन्म में एग्जैक्ट सेम टू सेम ऐसी थी जैसी अभी है। लेकिन मैडम, ये पुनर्जन्म में मैं विश्वास तो करता हूँ मैडम। अरे मैडम, मैंने कई कहानियां सुनी है, पढ़ा भी है मैडम, लोगों का होता है पुनर्जन्म। वेल, क्या आपने नहीं देखी कर्ज था, बताना था मेरा फर्ज था। अरे कर्ज तो क्या है मैडम, आपने वो नहीं देखी ओम शांति ओम, उसमें शाहरुख खान का पुनर्जन्म ही तो होता है। मैडम मुझे लगता है कि आप शाहरुख खान हैं। मेरा मतलब है कि आपका पुनर्जन्म हुआ है, हो सकता है मैडम, वरना वो ठाकुर ऐसे ही थोड़ी ना कह रहा होगा। अरे यार देखो, ऐसा है, जब तक कोई ठोस सबूत ना मिल जाए तब तक ये पुनर्जन्म मनम की बातों पे मैं विश्वास ना करने वाली हूँ। हाँ अरे लेकिन मैडम, आप एक काम कीजिए, मैडम आप ना, वो ठाकुर कह रहा है कि आपका पुनर्जन्म इसी गांव में हुआ है ना, मतलब पिछले जन्म में भी आप इसी गांव में रही होंगी, तो आप एक काम कीजिए मैडम, आप पूरे गांव में घूमिए, हर मंदिर हर इमारत को देखिए, हो सकता है ये सब देखकर आपको कुछ याद आ जाए अपने पिछले जन्म के बारे में। हाँ यो बात सही है, पता तो लगाना ही है कि ठाकुर सही कह रहा है कि झूठ, गांव तो घूमना ही होगा। उतरो। हाँ? उतरो। अरे भैया हमें सीधे जाना है। तो जरा छोड़ दो ना प्लीज। अरे मुझे यहाँ जाना है। लेकिन हमें तो सीधे। अच्छा अच्छा अच्छा, हलो लो लो लो, हलो लो लो लो, सर करीना करीना, हलो लो 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 लो, हलो लो लो लो। अच्छा बस हो गया सर। हाँ ओके, तो अभी छोड़ दो, उतरो। अरे भैया, अच्छा आप एक्सचेंज में कुछ देते फिर आपको, इसमें क्या है, व्हाट इज देयर। सर अपनी घड़ी दे दो। हाँ क्या दे दो ना, घड़ी सर, पहुंच तो जाएंगे, घड़ी दे दो। हाँ छुट्टी मनाएंगे, चलो ठीक है, पार्टी करेंगे। ये लो भैया, चलो चलो अभी लल्लूगंज चलो, जल्दी उतरो। अभी घड़ी तो दे दी, अभी क्या उतरो। मैं इस गाँव का सबसे अमीर आदमी हूँ, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है मेरी। कितनी? 100 करोड़। सर उतरी।
Sorry, my son. You should be. Yeah, yeah. Hey! 100 crore. Sir, should be bol gaya. अरे मेरी घड़ी ले गया वो। सर घड़ी ले गया, वक्त ही खराब है, क्या फायदा घड़ी का ना? तो कुछ और प्लान सोचते। सर वो देखिए, साइकिल है वहाँ पर, साइकिल। क्या मतलब है तुम्हारा? कि हम लोग साइकिल चोरी करें? सर कभी कभार पुलिस वालों को चोरी चपाट करनी पड़ती है। इंस्पेक्टर बजरंग पांडे, चोरी करने से पहले देख लो इधर उधर कोई है तो नहीं ना? कोई नहीं सर, रास्ता बिल्कुल साफ है, दूर दूर तक कोई नहीं है। कोई नहीं है, चलिए चलो चलो। सर हमने कहा था ना कोई नहीं है। हाँ वाकई में कोई नहीं है। देखिए मैडम, गौर से देखिए मैडम, हर इमारत, हर मंदिर, हर दीवार, हर चौराहे, हर रास्ते को ठीक से देखिए मैडम, हो सकता है आपको कुछ याद आ जाए। देखिए ये 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 कौन है? अरे Well, who the Chandr is the? Shimla mein hote hain bahut bandar is the. Meri madam aa gayi. Meri madam aa gayi. Meri madam aa gayi. Meri madam aa gayi. Ye kaun thi madam? Aur ye aapko Poonam bula rahi hai. Madam, kahin wo Thakur sahab ki baat sach mein? पूनम, मेरी पूनम, पूनम, मैं पहचाना क्या? याद नहीं आता? अरे तूने मुझे एक बार कुएं में धक्का दिया था, याद नहीं है? पूनम, 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 पूनम। मैडम ये सब क्या हो रहा है? मैडम ये भी आपको पूनम बुला रहा है, सब आपको पूनम बुला रहे हैं आप। ये क्या हुआ मैडम, आपको कुछ याद आ रहा है क्या? पूनम, ओह माय गॉड, ये मॉम को क्या हो रहा है? मैडम मैडम आप ठीक हैं? हाँ हाँ ये गांव मेरा है। मैं इस गांव में बड़ी हुई हूँ, ये मुझे सब याद आ गया कि मैं इस मंदिर में रोज आती थी। मैं ठाकुरों की बेटी हूँ भैया। अब मैडम मैडम मॉम सर, आप भागते काफी तेज हैं। सरप्राइज मी, जब मौत सामने नजर आती है लोग भाग भी बहुत तेज भागता है। आई नो। छोटे ठाकुर केला खा लो, छोटे ठाकुर केला खा लो, केला खा लो, केला खाओ, छोटे ठाकुर केला खाओ। ठाकुर साहब, अरे ठाकुर साहब, रामधीन की जो जमीन है ना वो आपके नाम करवा दी है, कल रात बीबी ने पीटा है। बहुत अच्छा किया मुनीम जी, कागजात को तिजोरी में रखवा दो, झिंगुर झंझन आ गया। भैया भैया भैया, मुझे सब याद आ गया भैया, मैं आ गई हूँ वापस भैया।
पूनम मेरी बहन मेरी बच्ची यानी कि झिंगुर झंझन आ गया। हाँ भैया भैया मुझे सब याद आ गया। ये गांव मेरा घर है भैया। मैं इसी घर में इसी हवेली में रहती थी। मैं इस खानदान की बेटी थी। इस गांव की एक एक चीज मेरी बचपन की सारी बातें मुझे सब याद आ गया। और भैया आप मुझे कितना प्यार करते थे मुझे याद आ गया भैया। शुक्र है भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है कि तुमने मेरी बहन पूनम को सिर्फ इस हवेली में ही नहीं बल्कि उसको सब कुछ याद भी दिला दिया। झिंगुर झंझन आ गया। मुबारक हो ठाकुर साहब मुबारक हो। है? अरे पूनम बिटिया आ गई है। कल रात बीबी ने पीटा था। अरे ये क्या ये तो हमारी बुआ निकली। बुआ जी आ गई बुआ जी आ गई। ठाकुर साहब चलिए ये तो अच्छी बात है कि हमारी छमक छलो आपकी पूनम निकली लेकिन पूनम के साथ सच में हुआ क्या था? एक लड़का था चंदर नाम का। उस चंदर ने गाना गाकर पूनम को ऐसा पुकारा कि सिक गया उसके दिल में इश्क का आलू पुखारा। ओ मतलब पूनम और चंदर के बीच प्यार का पुलाव पक गया था। यानी ही रांझा जैसे पतंग और मांझा सोनी महिवाल चावल और दाल। समझ गया ठाकुर साहब सब समझ गया। आपने जरूर उनके मोहब्बत के मोतीचूर के लड्डू को कर दिया होगा चूर चूर और उन दोनों को एक दूसरे से कर दिया होगा दूर दूर। हैं मतलब आपको नहीं था मंजूर पूनम बने चंद्र की हूर। हाँ 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 मेरे दिमाग का झिंगुर झंझना गया और मेरे झूठे अहंकार का घंटा टंटना गया और मैं अपनी ही बहन पूनम यानी लाडली बहन के खिलाफ हो गया। और पूनम मैंने तुम्हें कमरे में बंद कर दिया और उसके बाद वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। क्या कमरे की चाबी खो गई? नहीं मेरी खुशियों की चाबी खो गई। झिंगुर झंझन आ गया। पूनम तुम उस कमरे से भाग गई और तुमने चंद्र के साथ नदी में छलांग मार कर अपनी जान दे दी। अपनी जान दे दी। भैया भैया आप मत रोइए। देखिए अब जो हुआ सो हुआ। अब तो मैं वापस आ गई हूँ ना और ये आप ही का प्यार है जो शायद मुझे दूसरा जन्म लेकर इस गांव में आना पड़ा। मत रोइए भैया। हाँ बापू मत रोइए। अब तो बुआ दी आ रही हैं। बुआ दी पप्पी दो ना। बुआ जी ने मारा बुआ जी ने मारा। बड़ा प्यार करता है। ऐसे ही पप्पी देती हूँ मैं। और चाहिए पप्पी? नहीं नहीं इतनी तापी है तू तेला तेला बे। पूनम पूनम बेटी अब तुम मेरे साथ मेरे घर में रहना। बंद करो ये नौटंकी शौटंकी। हाँ अब यही मेरे पास रहो। मुनीम जी हाँ जी पूनम को उसका कमरा दिखाओ। जी, जी। और पूनम सुनो तुम इस हवेली के आसपास कहीं भी जाना पर हवेली के पास वो जो खंडर है ना वहाँ कभी भूल कर भी मत जाना। झिंगुर झंझन आ गया। क्यों भैया? क्योंकि कहते हैं कि आज भी उस चंदर की आत्मा वहीं भटकती रहती है और वो आज भी गाने गाता है। किसकी आवाज में गाता है? किशोर की या मुकेश की? नहीं मतलब वो गाना गा के पूनम आज भी तुम्हें पुकारता है और उसकी पुकार सुनकर तुम कहीं उस खंडहर में मत चले जाना। झिंगुर झंझन आ गया। भैया वो तो ठीक है लेकिन ये मेरे साथी इनका क्या होगा? मॉम मतलब छमक छलो जी आप हमारी चिंता मत कीजिए जी। हम यही गांव में एक दो दिन रह लेंगे फिर वापिस चले जाएंगे। हाँ मतलब आपको अपना पिछला जन्म याद आ गया। पिछले जन्म का घर मिल गया आपको। पिछले जन्म का भाई मिल गया। अरे इससे ज्यादा बड़ी खुशी के बाद हमारे लिए और क्या हो सकती है। हम कर लेंगे। आपकी वो शिष्य है ना वो जलेबी भाई उसके साथ नौटंकी कर लेंगे हम लोग। हो जाएगा।
ठीक है, अच्छा ठीक से रहना। हाँ अपना ख्याल रखना। हाँ अच्छा ठाकुर साहब चलते हैं। पूनम पूनम बेटा जाओ अपने कमरे में आराम करो। मुनीम जी जी जी, जी। पूनम को कमरा। हाँ अब जाओ झिंगुर झंझला गया।